रामपद की जहाँ से शुरुआत हुई शहादतगंज, और उसी के बगल में 200 मीटर की दूरी पर हमारा घर है, हम वहाँ से चले। हमारे साथ तमाम साथी चले, तो लोगों ने लगातार ये सूचना मिलती रही हमें कि रामपद बैठ गया है, गड्ढा हो गया है, लोगों के लिए दुश्वारियाँ पैदा हो गई। तो मैंने कहा सत्र से फुर्सत मिले बिना लोकसभा से तो भाई आकर मौके देखेंगे। तो मैं आज आया, देखा और कई जगह रुका भी, रिकाबगंज में रुका, उसके आगे रुका, लोगों से पूछा भी और देखा भी। तो ऐसे स्थान भी मुझे दिखाई पड़े जहाँ पर गड्ढा होना बताया जाता था और ताज़ा मेसफाल्ट कहते हैं तारकोल को बिछाया गया। लोगों ने कहा रात में काम हुआ है, रात में गड्ढा पाटा गया, मेसफाल्ट रात में बिछाया गया है। तो चार पांच जगह लोगों ने यही बताया, हम रुक करके। तो लेकिन वो तो जौना जोड़ना हुआ ना, चक्की जोड़ना हुआ ना, अगर अच्छे ढंग से बनी होती तो गड्ढा पाटने की जरूरत ना होती, ये बरसात झेल जाती। तो ये सारी बातें, और इसके बाद हम यहाँ खड़े हैं श्री राम अस्पताल, और बगल में खड़े हैं ये रामपद है, आप भी रामपद पे खड़े हो, किनारे खड़े हो, और ये श्री राम अस्पताल है। दुनिया के तमाम लोग अयोध्या में आते हैं, और ये दुर्दशा ऐसी है, कीचड़ भरा हुआ है, गंदगी है, बदबू कर रहा है, मच्छरों का राज है, और ये कौन दोषी मान रहे हैं? ऐसा है, ये दोषी तो इंक्वायरी जब होगी, जांच पड़ताल होगा, तो कौन दोषी है अपने आप आएगा। इसकी जरूरत है कि उच्च स्तरीय जांच की जाए। अभी और कौन सड़कें बनाए जाने की बात की जाए? ऐसा है, सुनो यार, ऐसा है कि ये बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं, ये रामपथ है, राम के नाम की बदनामी हो रही है, राम के नाम पे कलंक हो रहा है, राम के नाम पे लूट हो रही है, तो छोटा मोटा मामला नहीं है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें बहुत उच्च स्तर की जांच कमेटी बैठाई जाए और एक सुनिश्चित टाइम दिया जाए, एक फिक्स टाइम दिया जाए, 1 महीना 15 दिन दो भी है, और उसमें रिपोर्ट आ जाएगी, तब ये हो जाएगा। तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए, कौन जिम्मेदार है, कितने लोग जिम्मेदार हैं, ये सारी बातें जो है जांच के बाद। ऐसा है, इट इज नॉट सफिशिएंट, और लोग होंगे, लेकिन ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं। फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, जब से ड्राइंग निर्माण के बाद से बहुत से अधिकारी बदल गए, क्या जो अधिकारी चले गए उन लोगों को भी जांच? छोड़ो यार, क्यों बात करते हो, बचकाना बात करते हो। अरे भाई, जांच जब होगी तो चले का दुनिया से चले गए, कहीं होंगे, कानून अपना काम करेगा। तो आप किस चीज की जांच मांग रहे हो, उच्च स्तरीय कौन सी जांच होनी चाहिए? आप देख लीजिएगा कौन सी जांच, किससे जांच हम कराएंगे, आप वेट करो, इंतजार करो ना। ये सारी बातें जांच में आएंगी। जब मैंने कहा इट रिक्वायर्स वेरी हाई लेवल इंक्वायरी, इट रिक्वायर्स वेरी हाई लेवल इंक्वायरी, तो इसी से आप समझ सकते हो कितना गंभीर मामला है। ये मामला गंभीर है, और गंभीर मामले में कौन कौन दोषी हैं, डाइंग से शुरुआती लोर से लेकर बुनियाद से लेकर अब तक कौन कौन दोषी हैं, ये तो उच्च स्तरीय जांच का विषय है। संसद में भी ये बातें उठेंगी, आप द्वारा उठाई जाएंगी? नो डाउट, वो सारी बातें जो क्षेत्र के विकास से संबंधित होंगी और सम्मान से जुड़ी चीजें होगी, लोगों की आशाओं उम्मीदों से जुड़ी होती, वो सारी बातें संसद में उठाऊंगा।
राम पथ के साथ साथ तमाम कॉलोनियों में पानी भरा है, तमाम बाउंड्री वाल जैसे सब देखेंगे, सब देखेंगे वन बाई वन, वन बाई हर देखेंगे, हर दुश्वारियाँ हर परेशानियों पर मेरी निगाह भी पड़ेगी और उसको अपने ढंग से सोच करके उसको सुधार करने का सतत प्रयास करूँगा। अयोध्या के राजा को लेकर भी बहुत ज्यादा आप, आई एम नॉट हिज किंग, आई एम सेवक, मैं सेवादार हूँ, मैं सेवादार हूँ, मैं सेवक हूँ। और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने इस बात को अगर कहा तो भाव समझने की जरूरत है, भाव उनका भाव क्या था मेरे प्रति, उनका भाव बहुत ही सम्मानजनक तरीके का भाव था, लेकिन ये कहाँ भाजपा के कुछ लोगों को कहाँ पसंद आएगा कि जिनको शूद्र कहते थे, जिनको पुराना धमाका कहते थे, आज अखिलेश राजा कहते हैं। उनका भाव राजा का नहीं था, उनका भाव मेरे प्रति बहुत ही ग्रेट सम्मान देने का था, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पचा। कुछ लोग, सबकी बात नहीं करते, अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोग हो तो वो इस तरह का बात कर सकते हैं। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजा माँ की पेट से नहीं पैदा होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है व्यवस्था कि लोकतंत्र में पहले तो था बैलेट, लेकिन अब तो हो गया मशीन, एडीएम में लोग वोट डालेंगे उठा दबा कर, हर जात बिरादरी गरीब भी जगाएगा और हर बिरादरी भी जगाएगा, और जब गिना जाएगा तो उसमें जो है सांसद निकल आएगा, उसमें एमएलए निकल आएगा, और वही सांसद जो है प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, वही एमएलए मुख्यमंत्री हो जाएगा।